10 किलो भिंडी मेरा कंप्लीट, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं घर पर 23 किलो तौल के लेके आया था, बैठ करके यहाँ पर देखता हूँ कितना क्या होता है चाचा जी के काटा पर। राम राम नमस्ते, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग का शुरुआत, अपने वीडियो का शुरुआत, अपने फ्यूचर का शुरुआत मैं अपने खेत से शुरू कर रहा हूँ आज के दिन का। जो कि आप लोगों को पता है भिंडी खाने से अनेक फायदा होता है, इसमें फाइबर पाया जाता है, तो हम इसको तोड़ के मार्केट में लेके जाएंगे देने के लिए। तो मार्केट में भी जाएंगे और दोस्तों देखो पापा तोड़ रहे हैं, अभी मम्मा भी आएंगी, मम्मा तोड़ेंगी अपना ये पूरा रहा खेत। तो सारा मैं बात बताऊंगा कि हम किस मार्केट में लेके जाते हैं, क्या रेट वगैरह भिंडी का अभी प्रेजेंट समय में चल रहा है। तो प्लीज आप लोग एक काम करना, अपने छोटे भाई अभय एक्टिव 4 को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके देश के कोने कोने तक पहुंचाओ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, मैं हरी सब्जी प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ जहां तक हो सकता है करता हूँ। अभी ये भिंडी जो है छोटा है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे। और इधर ये भी देखो छोटा है, अभी इधर देखो जितना बड़ा पापा सारा भिंडी तोड़ चुका है। ये देखो दोस्तों इसका भिंडी का ये फूल इस तरह से रहता है, देखो दोस्तों, और फूल के अंदर ही इसका बीज निकलता है। देखो दोस्तों जो बोलते हैं भिंडी यहीं से देखो दोस्तों गांठ से निकलेगा। तो इस तरह से देखो दोस्तों इसमें अवांछित कुछ पौधा भी आ गया है, घास वगैरह इसको निकालना भी है। तो 2.5 किलो आता है भिंडी, क्योंकि भिंडी बहुत चढ़ता है आप लोगों को मैं बता दूं, तो थोड़ा सा और तोड़ लेंगे तो 2.5 किलो उसमें आ जाएगा। जो कि आज का हमारा टारगेट है 3 पसेरी, मतलब होता है 5 किलो को 1 पसेरी बोलते हैं गांव देहात शहर में कहीं पर भी। तो आप लोग जान लो 5 किलो को 1 पसेरी बोलते हैं, हमको 15 किलो तुला यानी 3 पसेरी हमको तोड़ के लेके जाना मार्केट में देने की। दोस्तों देखो अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ, वेट करने के बाद हम यहाँ से लेके जाएंगे मंडी में। देखो इधर मेरा 4 पूरा 2-2 किलो का लग गया, मतलब 8 किलो इधर मैंने कर दिया, अभी इधर है, हमको 15 किलो का टारगेट मिला था, मैंने शुरू में बताया। ये देखो दोस्तों ये बेकार सा है, और इधर आ जाओ भाई दिखा दो कितना सारा बेकार मैंने निकाल रखा है। ये देखो दोस्तों इतना मेरा भिंडी दोस्तों नुकसान हो गया। मैं आप लोग को क्या बताऊं, ऐसे ही नुकसान होता रहता है, किसान भाइयों का दर्द कोई नहीं समझता, बस लोगों को कम रुपए में सब्जी चाहिए और भी लेते उधार लेते, पैसा देते ही नहीं। दोस्तों हम क्या करें, आप लोग को पता है किसी से हमारा खर्चा, रोजगार, घर परिवार, समाज और हमारे माता पिता का खर्चा, हमारी पढ़ाई का खर्चा इसी तरह से चलता रहता है। तो हम कुछ ऐसा ही काम करते रहते हैं दोस्तों, और आप लोग बताना प्लीज आप लोग को एक किसान का दर्द कैसा लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं कड़ी धूप में, और उसको सिंचाई गुड़ाई खाद बुआई सब प्रॉपर तरीके से करते हैं, लेकिन जब रेट की बात आती है हम पैदा करते हैं तो रेट बिल्कुल भी नहीं मिलता। सच में बता रहे हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं पीएम जी से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कि प्लीज हमारे किसानों के बारे में आप लोग कुछ जरूर निष्कर्ष निकाले, हमें सपोर्ट दे, प्यार दे, ताकि हम लोग को रोजगार बढ़िया से अच्छे तरीके से जो हमारे ये चल सके, हम 2-4 रुपए कमा सके, हमारा बिजनेस चल सके। और इसी तरह से ये देखो भाई हो गया 2 किलो, देखो हो गया, वेट कर रहे हैं, आ जाओ भाई दिखा दो तराजू पे। ये देखिए दोस्तों ये रहा हमारा भिंडी, और ये देखिए दोस्तों हमने 2 बटखरा रखा है। देखिए दोस्तों ये इस तरह से हमारा बटखरा रहा। ये देखिए दोस्तों 2 किलो हो गया, ये हो गया, ये कितना हुआ था भाई 4 पूरा हुआ था ना, ये 5 हो गया। दोस्तों ये 10 किलो भिंडी मेरा कंप्लीट हो गया, ये देखो 10 किलो भिंडी मेरा कंप्लीट, थैंक यू सो मच। और इधर अभी 2 किलो है, उसके बाद फिर हमको लाना है लगभग अभी 5 किलो, तो बराबर 3 पसेरी लेके जाना। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लेके चलते हैं सीधे मार्केट में। मेरे गाँव के हैं दोनों भाई बहन, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा? अमृता। ये देखो ये मेरा कैमरा पकड़ा था, बहुत ही अच्छा लड़का है, और ये अमृता है इसकी प्यारी प्यारी बहन। और ठीक है तुम दोनों भाई बहन ऐसे बढ़िया से रहना, ठीक है मिलजुल के दोस्तों। और अभी तो हमारा वीडियो वगैरह हो गया, तो वीडियो अच्छा लगा हाँ, चलो ठीक। आज मैं जब मार्केट से आऊंगा जो पैसा मिलेगा आने के बाद तुम लोग को मैं चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है जाओ। ओके, बच्चों का यही खुशी रहता है, मेरा भी खुशी रहता है, जिसमें बच्चों खुशी उसमें मेरा खुशी। दोस्तों मैं शॉप पर पहुंच चुका हूं, और यहां पर देखिए बेट हो रहा, रेट वगैरह अभी बात करेंगे। यहां पर देखिए बेट हो रहा है, ये अभी 16 है, अभी तो गलत, हमने 22-23 किलो हमने तौल के लाया था सच में दोस्तों। और इधर देखते हैं कि इनका चाचा का काटा कैसा होता, हमने 23 किलो घर से तौल के लाया था माल, और उसके बाद हमने कुछ थोड़ा सा और भी रख दिया था। अभी देखते हैं, इधर देखिए 21 किलो दिखा रहे हैं। ये भाई साहब ये ऐसा क्यों यार, ये तो गलत दिखा रहा है। चलिए यहाँ देखिए हम राजकुमार चाचा जी के पास पहुँच गए हैं, और हम अपना माल वगैरह प्रॉपर तरीके से दिए। संतुष्ट है ना चाचा जी आप? हाँ। अच्छे से ये देखिए अभी हिसाब वगैरह हो रहा है, सो मैं ऐसे ही यहाँ पर ला के तुम्हारी सब्जी करते रहेंगे। आप लोग घर दीजिएगा या फिर चौराहे शॉप पर आइएगा, चाचा से संपर्क करिएगा। गलत हुआ दोस्तों, सच में बता रहा हूँ, चूंकि मैं घर पर बैठ करके गया था यार भिंडी को लेकर,
बहुत ही मेहनत से अपने खेत में अपने माँ बाप के साथ मैंने तोड़ा था दोस्तों। वहाँ पर मतलब 23 किलो मैंने घर पर बेट करने के गया था, घर से बेट करके। ये देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना तराजू दिखा रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा तराजू रहा, देखिए दोस्तों इसके मैं अच्छे से, ये देखिए आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी नहीं लगा, चुंबक वगैरह प्रॉपर तरीके से हमने 1-1 किलो वेट करके वो भी जिंदा रखा था, जिंदा का मतलब ज्यादा ही रखा था। बट वहां पर जाने के बाद काम हो गया, हो सकता है मुझसे गलती हो गया हो, बट प्लीज अगर मुझसे गलती, मैं मुझे विश्वास अपने ऊपर कि मुझसे गलती नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरा माल कहाँ गया और वो 2 किलो लगभग गया। बहुत ही मेहनत से तोड़ा था, बट कोई बात नहीं, अपना भगवान है ना, अपना शिव जी है ना, अपना उधर देखिए माता जी है ना, वो देखेंगे। सो ये मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑन करके अपने छोटे भाई या बहन को आप लोग